मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज मुंब्रा शहर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए और नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग की। मुंब्रा शहर में कुल जमात की तरफ से किया गया ये विरोध प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। इस दौरान आज सुबह से ही मुंब्रा शहर बंद रहा, होटल बाजार पूरी तरह से बंद रहे। लाखों की तादाद में क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या नौजवान इस नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी की। अभी तक मुंब्रा शहर में जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं उनमें इतनी तादाद में जनता नहीं पहुंची थी ऐसा बताया जा रहा है, मगर इस नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आज सड़कों पर लाखों की तादाद में लोग अपने घरों से निकल पड़े हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंदुस्तान की जनता इतने गुस्से में है कि लोग बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये मुंब्रा शहर का ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन है जो शिमला पार्क से निकलकर मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर जाकर खत्म हुआ। रैली के दौरान लोग काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जता रहे थे, तो कहीं कुछ नौजवान शर्ट उतार कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ लोग सड़कों पर बैठकर इस नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एक तरह से कहा जा सकता है कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पूरे देश में हर जाति हर मजहब के लोग इसे कानून का विरोध कर रहे हैं, मगर आज हम आपको इस प्रोटेस्ट की और एक तस्वीर दिखाते हैं जहां एक दिव्यांग व्यक्ति भी अपने घर से इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने निकला है और वीर कानून वापस लेने की मांग कर रहा है। इस प्रोटेस्ट में लोग नारे लगाकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे और करना भी चाहिए, क्योंकि ये नागरिकता संशोधन कानून जिस मोदी सरकार ने लाया है ये वही मोदी सरकार है जिन्हें जनता ने चुनकर लाया है। भारत के नागरिक होने के नाते जनता ने वोट किया, अब उसी वोट देने वाली जनता को इस कानून के जरिए पूछा जा रहा है कि क्या अब भारत के नागरिक हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल तो बजेगा ही और सरकार का विरोध पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, मगर मुंब्रा में इस ऐतिहासिक कुल जमात के विरोध प्रदर्शन में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा है। कुल जमात की तरफ से जो है प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया था, नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जिस तरफ से आयोजन किया गया था आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो प्रोटेस्ट जो है अब मुंब्रा शहर में निकल चुका है। शिमला पार्क तालाब से वो प्रोटेस्ट निकल चुका है और मुंब्रा के एम गेट तक ये जाने वाला है ये प्रोटेस्ट। हालांकि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि इनकी मांग है कि जो सरकार ने ये नागरिकता संशोधन कानून जो लागू किया है इस कानून को वापस लिया जाए, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आज देख रहे हैं सड़कों पर जन सैलाब जो है निकल पड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग यहाँ पर जो है बैनर लिए, हमारा नारा हिंदुस्तानी भाईचारा का है, तमाम जो है सड़कों पर इसी तरह से आंदोलनकारी आज जन सैलाब जो है यहाँ से निकल चुका है और ये मुंब्रा रेलवे स्टेशन की तरफ जो है बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हालांकि जिस तरह से जो नागरिक हैं उनका कहना है कि हमारी चुनी हुई सरकार जो है वो हमी से जो है अब हमें नागरिक भारतीय होने का जो है प्रमाण मांग रही है, इसके खिलाफ लगातार जो है आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि इसी तरह से आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो है मोदी सरकार के खिलाफ जो है नारे लगाए जा रहे हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो है आप लोग किस लिए जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है। हम लोग को ये लोन नहीं चाहिए, ये लोन नहीं चाहिए हमको। हिंदुस्तान यहाँ पे किस लिए है, हम लोग यहाँ पे हमारे बाप दादा ने हमें खून बहाया है भाई। 20 तारीख को बताएंगे आजाद मैदान में हम लोग क्या देश आजाद हुआ था जब मुस्लिम नहीं थे लोग, आज हम लोग को क्यों निकाला जा रहा है, क्यों निकालेंगे हम लोग को आगे बोलने का भाई। हिंदुस्तान हमारा है, हमारे
सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है कि ये लॉ कैंसिल करो, एनआरसी नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान हमारे बाप दादा का, उनका यहाँ खून बहा है, हमारे बच्चों का हिंदुस्तान है। किसी के बाप की ताकत नहीं हिंदुस्तान से हमको हटा सके। निकाल सकता है, कोई नहीं निकाल सकता है। मोदी सरकार चोर है। क्या जो बिल लाया गया, जो बिल लाया गया उस बिल, पागल हो गया, उसको देश चलाने नहीं आता, औरत बच्चे नहीं है ना, उसको चोर है, चलाने नहीं आ रहा, उसको कुर्सी पे से नीचे उतारो, कुर्सी पे से नीचे उतारो, कुर्सी पे से नीचे उतारो उसको, कुर्सी चोर, कुर्सी चोर, कुर्सी चोर, कुर्सी चोर। बिल है ये उस हिंदुस्तान की उस जुमरे जो वो खत्म करने वाला बिल है, जो इसकी एक रस्म रही थी हिंदुस्तान के अंदर हर एक बराबरी का हक है। ये बिल्कुल ही इंसान को इंसानियत का हक मारने वाला बिल था, लिहाजा हम इसका बिल्कुल इसकी मजम्मत करते हैं। ये एनआरसी और सीएबी जो बिल है इसको कैंसिल किया जाए और हर एक बराबरी का हक दिया जाए। जो हक इंसान का है हिंदुस्तान के अंदर वो सबके बराबरी का हक है। हिंदुस्तान की जमहूरियत जिंदाबाद, हिंदुस्तान की जमहूरियत जिंदाबाद, हिंदुस्तान की जमहूरियत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनका कहना क्या है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान यहाँ से सिर्फ मुस्लिम को लोगों ने हटा दिया है, मुस्लिम को हटा दिया, बाकी सबको वेलकम किया है। मुस्लिम खाली इनको हटा दिया, सबको वेलकम किया है। मैं बांग्लादेश में बहुत दिन रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा कुछ कभी होता है, सब जगह होता है, इंडिया में होता है, सीरिया में होता है, इसराइल में होता है, थोड़ा बहुत जहाँ पे मेजॉरिटी कोई कम्युनिटी है वो छोटे कम्युनिटी को दबाता है, लेकिन इन्होंने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया ना कभी बताया। आज इन लोग खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमको बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, हमको बाकी सब चाहिए और मुस्लिम नहीं चाहिए। ये दोहरा व्यवहार क्यों? ये लोग ने वायलेशन किया है आर्टिकल 14 का, इसका हम लोग विरोध करते हैं, ये गलत बात है। और जामिया में इन लोगों ने जो किया, जाके अंदर जाके हम लोगों ने हमला किया है, वो जलियांवाला बाग वाला ही सेम कांड किया है, जाके उन लोगों ने आंसू गैस, जो शेल गैस था वो एक्सपायर हो चुका था, आखिर अंदर डाला उन लोगों ने। मैंने खुद फ़ोन किया था, पता किया, सब बच्चे परेशान थे वहाँ पे। तो ये जो हो रहा है टोटली गलत हो रहा है, ये दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, सबको होना चाहिए, संविधान में सब बराबर है, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, ये लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज आप किस लिए जो है आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? एनआरसी के लिए। क्या बात है आपकी सरकार से? एनआरसी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या प्रॉब्लम? क्योंकि हम लोग यहीं के रहने वाले चाहिए, बस नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम एक है, बाकी सब एक है, बाकी सब एक है। एनआरसी में क्या ऐसा है कि जो नहीं होना चाहिए? एनआरसी ही नहीं होना चाहिए। तुम चाहते हो ये लागू हो, तुम चाहते हो ये लागू हो, नहीं तुम चाहते हो लागू हो। आपका क्या कहना है? जो चाहिए जितने भी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख है, हिंदुस्तान सभी का है, किसी एक का हिंदुस्तान नहीं है। हमें एनआरसी नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए। हमने सरकार को चुना है और सरकार हमसे ही सर्टिफिकेट ले रही है कि तुम पब्लिक हो कि नहीं हो। सरकार को हमने चुन करके कुर्सी में बैठाया है और सरकार हमसे सवाल कर रही है कि तुम दस्तावेज दिखाओ हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो। ये सरकार की तानाशाही है। आप एक्सेप्ट करोगे इसे? बोलो आप करोगे एक्सेप्ट? एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। नहीं चलने दलित मुस्लिम बिछड़ा इसका जितना है किसी को नहीं, एलआरसी नहीं चाहिए। जंगल में रहता है, जो आदमी जंगल में रहता है वो प्रूफ कहाँ से लाएगा हिंदुस्तानी? वो प्रूफ कहाँ से लाएगा? उसके बाद आधार कार्ड पैन कार्ड कहाँ से आएगा? ये हमारा हिंदुस्तान है, हमें निकाला जा रहा है यहाँ से। क्या जो नागरिकता संशोधन कानून जो है इसको लेकर आप लोग विरोध? सर गलत है और ये नहीं चलेगा यहाँ, ये पूरे हिंदुस्तान पर जुल्म किया जा रहा है, ये यहाँ हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। और ये इनकी ये हिंदू मुसलमानों का तासुब है और ये इस मुल्क में मंजूर नहीं किया जाएगा। जो भी इन्होंने कैब लागू किया है या एनआरसी लागू किया है, इसको कोई मुसलमान या कोई भी मुल्क का रहिंदा इसको कबूल नहीं करेगा। भाई
हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, इसमें सब मुल्क में सब रहते हैं और वैसे ही रहेंगे। एनआरसी इसमें लागू नहीं होना चाहिए, बस यही हमारा वो है मिशन, और इसी मिशन के लिए सब मुसलमान भाई जमा हुए, हिंदू मुस्लिम सब जमा हुए हैं भाई। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मतलब इसमें कोई मतलब इसमें पक्षपात है या कुछ है, सबके लिए है। सरकार की यही मांग है कि हम लोग मुस्लिम हैं, हम हमारे हुजूर के जमाने से यहीं पर रहे हैं, हमारे खून में इस धरती की मिट्टी है, हम यह मिट्टी छोड़कर नहीं जाने वाले। हमारा हक में चलना है और हमारे वो इस हक की लड़ाई में हमको बताना है कि हम इस इंडियन सिटीजनशिप के पूरे हकदार हैं और हमको हमारा हक मिलना चाहिए। हम इस लॉ, इस एक्ट को नहीं मानते और इसको हम नहीं मानेंगे, ना आज मानेंगे, ना कल मानेंगे, ना कभी मानेंगे। आपने देखा और सुना कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों में गुस्सा है, किस तरह से ये प्रदर्शनकारी बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग आज घरों से निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस कमिश्नर के नाम डीसीपी सुभाष भोरसे और जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को कुल जमात ने मेमोरेंडम दिया है और मांग की है कि इस नागरिकता संशोधन कानून को वापस लिया जाए। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।